नमस्ते मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया है, उसके बाद में अपन ने बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन व्हीलो के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, व्हीलो के बारे में देखें तो मूल रूप से राजस्थान की ही जनजाति है ये। वैसे तो भारत में बहुत से स्थानों पर निवास करती है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो राजस्थान की जनजाति है। तो इसके बारे में अपन विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, भीलों के बारे में बात करते हैं अपन। तो भील जनजाति अपने भारत में देखा जाए या विश्व में देखा जाए तो तीसरी बड़ी जनजाति मानी जाती है। सबसे पहली बड़ी जनजाति संथाल है भारत में, देखिए संथाल। दूसरे नंबर पे गोड और तीसरे नंबर पे भील। तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। पहले पे संथाल आते हैं, दूसरे पे गोड और तीसरे पे भील जनजाति। जो भील शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं अपन। देखो, भील द्रविड़ भाषा का शब्द है, द्रविड़ भाषा का शब्द है। और शब्द क्या है? बिलू, बिलू। इस बिलू शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस बीलू शब्द का अगर अपन अर्थ की बात करें कि बीलू शब्द का अर्थ क्या होता है, तीर का मार, तीर कमान चलाने वाले जो होते हैं उनको द्रविड़ भाषा में बीलू कहा जाता है। और तीर कमान ये भी लोग चलाते हैं, इसलिए उनका सीधा सा अर्थ क्या हो गया? भील का अर्थ क्या हुआ? तीर कमान चलाने वाले लोग, उनको नाम दिया गया है भील, भील जनजाति। इनके बारे में देखिए, अगर अपन प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जाए तो काफी बातें अपने को मिलती हैं। जैसे वेदों की बात करें अपन तो वेदों में भी इनका क्या है, वर्णन है। पुराणों की बात करें तो पुराणों के अंतर्गत भी इनका वर्णन है। पुराणों की एक कहानी है कि भील जनजाति जो है वो निषाद राज्य की संतान है। एक बार क्या हुआ, महादेव शिवजी से, जो शिवजी हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं, वहां पे निषाद राज चले गए और उन्होंने जाकर के इनके महादेव का जो बैल था, नंदी था, उसका शिकार कर लिया। जो महादेव शिव जी का क्या माना जाता है, वाहन माना जाता है, उस पर तीर कमान चला दिया। तभी से निषाद राज जो राजा थे उनको महादेव जी ने रुष्ट होकर के ये श्राप दिया कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के निवास करिए। तभी से भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि निषाद राज की संतान है। निषाद राज को श्राप मिला कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर निवास कीजिए, तभी से ये लोग भी कहां निवास करने लग गए, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने लग गए। आगे बात करते हैं अपन, महाभारत की बात करें अगर, महाभारत की बात करें तो महाभारत में एक व्यक्ति विशेष का नाम अपन ने सुना है, एकलव्य। ऐसे रामायण की बात करें अगर अपन, तो रामायण में श्री राम के में वीर जनजाति की महिला जिसका नाम था सबली के जूठे बैल खाए, ये वर्णन भी अपने को रामायण में पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें, देखिए कर्नल जेम्सटोन, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है, कर्नल जेम्सटोन, इन्होंने भी बताया है कि महाराणा प्रताप जो थे
उनके और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंतर्गत महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो संपूर्ण रूप से कौन थी? भील जनजाति की। भील जनजाति के लोग ही उसमें भी क्या थे? सम्मिलित। तो इस प्रकार से अगर प्राचीन इतिहास में बात करें तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनका वर्णन अपने को देखने को मिलता है। अगर इन भील जनजाति के शासन की बात करें कि लोग कहां पे निवास करते थे मूल रूप से प्राचीन समय के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत देखें अपन तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है डगारी। डगारिया क्षेत्र। इस डगारिया क्षेत्र में ही मूल रूप से शासन क्या करते थे? जो वर्तमान में जिला है डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला। ऐसे बात करें अगर अपन, एक दूसरा क्षेत्र है जिसका नाम है बाशिया। क्षेत्र का नाम है बाशिया। बाशिया का मतलब बांसवाड़ा वर्तमान का जिला, वर्तमान जिला बांसवाड़ा। इसी प्रकार से देखें अगर अपन तो देखो कोटिया, कोटिया वर्तमान जिला कोटा। दोआब वर्तमान जिला उदयपुर। इन सारे क्षेत्रों के अंतर्गत ये भील लोग क्या करते थे? शासन किया करते थे प्राचीन समय के अंदर। तो ये भीलों की उत्पत्ति अर्थ के बारे में अपन ने चर्चा की। आगे देखते हैं इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं कि भील जनजाति के लोग किस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं रखते हैं। देखिए इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या क्या है, जैसा कि अपन अध्ययन करते आ रहे हैं आप कि शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार से अपने को अति शीघ्र याद हो सकती हैं। तो उसके लिए देखिए अपन अपने ही शरीर से अपन वर्णन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बालों के बारे में। बाल, इनके बाल काले रंग के होते हैं, लेकिन कई दिनों तक नहाने के कारण ये काफी भद्दे लगते हैं, भद्दे हो जाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद तेल नहीं डालते, इस कारण से इनके बाल भद्दे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बालों के बाद में बात करें अपन तो अपने ललाट की बात आती है। तो इनका ललाट चेहरा कह देते हैं, एक साथ ही चेहरा सपाट होता है। एस्किमो का भी ऐसा ही था, बुशमैन की भी ऐसी बात की, इनके बारे में भी ऐसी बात। नाक की बात करें अगर अपन तो इनके नाक नथुनों के पास में चौड़ी होती है। किसके पास में? नथुनों के पास। नथुने क्या है? नाक का अग्रभाग, आगे का भाग जो है उसे नथुने कहते हैं। तो नाक के आगे के भाग के अंतर्गत नाक चौड़ी होती है। इसी प्रकार से जबड़े की बात करें, आपकी छोटी छोटी आंख की बात करें, इनकी आंखें हमेशा लाल होती है, न ज्यादा बड़ी होती है ना छोटी होती है, रंग में देखें तो लाल होती है। अगर दांतों की इनकी बात करें तो दांत हमेशा सफेद होते हैं। जबड़ों की बात की जाए, इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। जबड़ा क्या है? बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसी प्रकार से आगे देखें तो इनके रंग की बात करते हैं कि ये रंग में कैसे होता है। तो इनका रंग होता है काला, काले रंग के होते हैं। ऐसे देखें अगर अपन इनकी शरीर की बात करें, इनका शरीर कैसा होता है, तो इनका शरीर काफी हृष्ट पुष्ट होता है और सुडौल,
हृष्ट पुष्ट होने के साथ साथ में कैसे होता है, सुडौल भी होता है। इनकी कद काठी की बात करें देखिए, कद काठी की बात करें तो ये ज्यादा हाइट में लंबे नहीं होते हैं, और अपन कह सकते हैं नाटे जैसे बुशमैन के लिए कहा था अपन ने कि 4 से 5 फीट औसतन इनकी ऊंचाई होती है, तो कद काठी इनमें नाटे होते हैं। ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति की बात करें कि ये किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो देखिए काफी ज्यादा मात्रा में ये परिश्रमी होते हैं, परिश्रम और परिश्रमी होने के साथ साथ में खास बात है ये ईमानदार होते हैं। परिश्रमी होने के साथ साथ कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। अपन तो झूठ बोल देते हैं लेकिन ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक हमेशा आजादी प्रेमी होते हैं। हमेशा स्वतंत्र रहने में विश्वास रखते हैं और कभी भी चोरी नहीं करते हैं, चोरी कभी नहीं करते ये लोग। देखिए वीर लोगों की शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनके बाल काले और भद्दे होते हैं, चेहरे की बात करें तो सपाट होता है, नाक नथुनों के पास में चौड़ी होती है, आंखें लाल होती हैं, दांत सफेद होते हैं, जबड़ा बाल की तरफ निकला हुआ होता है, इनका रंग काला होता है, शरीर हृष्ट पुष्ट और सुडौल होता है। कद काठी की बात करें तो ये नाटे होते हैं, प्रवृत्ति की बात करें तो ये काफी परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, आजादी प्रेमी होते हैं और कभी भी चोरी नहीं करते। ये बात की अपन ने वीरों की शारीरिक विशेषताओं की, आगे चलते हैं तो वीरों की शारीरिक विशेषताओं के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि वीर लोग किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र निवास देखिए, अगर निवास क्षेत्र की बात करें तो मूल रूप से ये राजस्थान में अरावली, क्योंकि अपन ने पहले बात की कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो अरावली क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा देखा जाए तो विंध्याचल की पहाड़ियां, और सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में ये मूल रूप से निवास करते हैं। अगर स्थान विशिष्ट की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए राजस्थान में देखें, अगर तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले आ रहे हैं, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, इनके अपन का दक्षिणी राजस्थान के मूल रूप से ये निवास करते हैं। अगर गुजरात की बात करें राजस्थान से कच्छ में बिल्कुल ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम पंचमहल, जिला गुजरात पंचमहल, और एक जिला है वडोदरा। इन दो जिलों के गुजरात में ये लोग निवास करते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करें अपन, मध्य प्रदेश में ये किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, धार, झाबुआ, धार झाबुआ, और एक जिला रतलाम।
तो तीन जिलों में ये क्या करता है, निवास करता है। ऐसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मूल रूप से ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अहमदनगर में भी इनकी संख्या देखने को मिलती है, और जलगांव यहां भी ये कुछ एक मात्रा में निवास करते हैं। तो देखिए निवास क्षेत्रों की बात करें तो अरावली महेंद्र विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां ये मुख्य क्षेत्र है। लेकिन स्थान विशेष की बात करने बैठे उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, गुजरात में बात करें तो पंचमहल और वडोदरा में, मध्य प्रदेश में बात करें तो धार जिला, झाबुआ और रतलाम जिला। ऐसे महाराष्ट्र के अंतर्गत देखें तो औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव ये इन लोगों के वीर लोगों के निवास क्षेत्र माने जाते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार से ये वातावरण के साथ में अपना तालमेल बना करके रहते हैं। तो उसकी बात करें तो देखिए वातावरण समायोजन कहें या वातावरण कहें कि किस प्रकार का इन लोगों के पास में वातावरण मौजूद है। देखिए वातावरण किस प्रकार का है इनके पास में उसकी चर्चा करता है। जैसा कि अपन ने देखा राजस्थान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में ये लोग निवास करते हैं। जिस क्षेत्र विशेष में ये लोग निवास कर रहे हैं वो सारे ही आर्द्र प्रदेश है। लगभग आर्द्र प्रदेश का मतलब वहां पर 33% भूभाग पर वन मौजूद है। और अपन जानते हैं 33% भूभाग पर वन मौजूद होने का मतलब उस क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, अधिक वर्षा अधिक हो रही है। क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्र मौजूद होने के कारण उस भूभाग के अंतर्गत काफी ज्यादा मात्रा में वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसी कारण से ये लोग आसानी से उन वन क्षेत्रों में अपने निवास स्थान बनाते हैं और वहां निवास करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो ये वनीय क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र की क्या होने लगी, कटाई होने लगी, पेड़ों को लोग काटने लग गए। उस वजह से धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी का कटाव अधिक होने लग गया। और मिट्टी का कटाव होने के कारण इन लोगों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता था, जो आवास बनाए गए थे, उन क्षेत्रों में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, जिसके कारण भील लोग अब वन्य क्षेत्रों को छोड़ने लग गए और अन्य क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो गए। ये था इनका वातावरण के संदर्भ में। आगे देखते हैं अपन इनके आर्थिक क्रियाकलाप, ये क्या क्या कार्य करते हैं जिसके माध्यम से इनकी आजीविका चलती है। आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या कार्य ऐसे करते हैं जिनके माध्यम से इनकी आजीविका चलती है। देखो तीर कमान रखते हैं विशेष रूप से, तो आखिर तो है ही है। एक तो कार्य करते हैं किसका, ये आखिर। आखिर के अलावा वर्तमान समय में इनके द्वारा कृषि कार्य भी किया जाता है। कृषि के अलावा संग्रहण का कार्य भी करते हैं, भोजन संग्रहण पद्धति भी अपनाते हैं। इसके अलावा आदिकालीन जीवन पशुपालन, पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। देखिए पुरुष वर्ग जो है वो विशेष रूप से इन दो कार्यों में पारंगत है। यहां पर स्त्री और पुरुषों ने अपना अपना कार्य का विभाजन कर रखा है। जो पुरुष लोग हैं वो विशेष रूप से तीर कमान की सहायता से आखेड़ करते हैं, आखेड़ करने का काम करते हैं।
साथ में कृषि करते हैं, और कृषि कौन सी है इनके द्वारा? आदिकालीन। जीवन निर्वाहन आदिकालीन, जीवन निर्वाहन कृषि कार्य पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से महिलाएं जो होती हैं वो संग्रहण का कार्य करती हैं। ये दो काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं संग्रहण का कार्य करती हैं, कंद मूल फल शहद बेरी इन सब का क्या करती है? संग्रहण करती है। इसके अलावा पशुपालन का कार्य भी महिलाओं के हिस्से में ही है। इनके द्वारा पशुपालन का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भेड़ बकरी गाय भैंस ये सारे पशु भी किसके द्वारा पाले जाते हैं? महिलाओं के द्वारा घर में ही पाले जाते हैं। देखो इन्होंने अपने कार्य का विभाजन कर रखा है। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो आखिर कृषि संग्रहण और पशुपालन के माध्यम से इनका कार्य संपादित होता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं ने अपने अपने कार्यों का अलग अलग रूप में क्या कर रखा है? विभाजन कर रखा है। देखिए इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने बिलों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें अपन ने बिलों का अर्थ, उनकी प्राचीन स्थिति, इसके अलावा इनका शारीरिक जो भी विशेषताएं थी उनके बारे में, इनके निवास स्थान के बारे में, वातावरण किस प्रकार का है जिसमें ये लोग निवास कर रहे हैं उसके बारे में, और वर्तमान समय में ये अपनी आजीविका किस प्रकार से चलाते हैं, इन सब बातों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आगे का भीलों का क्रम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे।